sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. वेलकम टू द ब्लॉग। डैडी ने तो ऐसा खतरनाक हवन कराया कि पूरी सब एनर्जी चुस गई उसी में। इतना सब निकला आंसू धुएं हुए से कि सब के ऐसे सोए कि अब उठे जाके इतना थक गए थे। तो मैंने सुबह से काफ़ी काम किया था। मैंने छुटकी को नहलाया था, उसको ब्रश कराया था, बहुत गंदाज हैं उसके, फिर बहुत काम बढ़ गया था। लेकिन अब हम फ्री हैं और बज रहे हैं 3:30। तो मैं जा रही हूँ, सबके लिए चाय बनाऊँगी और ये सब बदलें, बहुत गर्मी हो रही है। तो मीतू मौसी जा रही है दुकान। मीतू मौसी एक बार व्लॉग में हाय तो कह दो। हाय कहने के लिए आवाज दी, भाग रही है। रुक जाओ, बस बस बस। तुम क्या कोई एक्ट्रेस एक्टर हो? मैं पीछे दौड़ दौड़ के ऑटोग्राफ ले रही हूँ। चली गई। गेट तक मास्क ना लगाओ, गेट बंद कर दो। गेट भी बंद करना पड़ेगा। मेरा पैराशूट बंद तो गया है, लेकिन मुझे मास्क यूज करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन मेरे को एक लेक्चर मिल गया है कि मैं मास्क बर्बाद नहीं करना है। उस पर खूब लंबा लेक्चर मिला है मुझे। तो अब मैंने मास्क की जगह यूज़ किया है पॉलिथीन, और मेरा पैराशूट लग दिख रहा है एक डायपर की तरह। देखो, भले ही ये एक डायपर की तरह दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसे इसकी लुक्स के लिए जज नहीं करेंगे। हम इसे उड़ाएंगे और ये उड़ेगा। मुझे लगा था कि मेरा पैराशूट उड़ेगा, मेरा पैराशूट चल गया है। और इसी के साथ मेरे पैराशूट बनाने का सपना भी जल गया। तो मेरे असफल प्रयास के बाद भी वो उड़ नहीं पाया। तो मैं सोच रही हूँ कि कल परसों मैं एक और बनाऊंगी और उसे उड़ा के देखूंगी, और इस बार अच्छा बनाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी का फेशियल करने। इस चीज़ से ये कोई पेड़ प्रमोशन नहीं है, पर वो मम्मी को अच्छा लगता तो इसे करूँगी मैं। और टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज शुभी व्लॉग्स।